आज हम बनाएंगे पालक कटलेट। 250 ग्राम पालक को उबालकर ठंडा करके हाथों से दबाकर उसका सारा पानी मैंने निकाल दिया है। अब इसे मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे, बहुत महीन नहीं करना है। इसे एक बोल में डालेंगे, 4 उबले और कद्दूकस के आलू डालेंगे, 1 कप ब्रेड क्रम्स, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक आधी छोटी चम्मच, चाट मसाला 1 छोटी चम्मच, एक कटी धनिया और हरी मिर्च भी डालेंगे। सबको हम मिक्स कर लेंगे। अब हम हाथों में थोड़ा तेल लगाकर थोड़ा मिश्रण हाथ में लेंगे और एक टिक्की का शेप देंगे। सारे कटलेट्स हमारे बनके रेडी हो गए हैं। अब हम गैस पर एक पैन गरम करेंगे और उसमें हम 4 बड़े चम्मच घी डालेंगे। आप तेल में भी बना सकते हैं। सारे कटलेट्स को हम उसमें डाल देंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम टू हाई रखेंगे। थोड़ी देर बाद इसे हम पलट देंगे। थोड़ी थोड़ी देर पर इसे हमें पलटते हुए एक अच्छा सा कलर आने तक और क्रिस्प होने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो आधा काजू भी लगाकर आप इसे फ्राई कर सकते हैं या सर्व करते वक्त भी लगा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी पालक कटलेट हमारा बनके तैयार है। थैंक यू।